बताइए ये कहाँ का न्याय है जो मतलब शहर को शामिल ना करके कृषि क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए, ऐसा संभव है? नहीं संभव, वो आप भी जानते हैं इस बात। हम लोगों के गांव का नाम, उसके बाद में फिर यहाँ किसी न किसी वजह से हम लोगों के नाम को, हम लोगों के गांव के नाम को हटवा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसी के विरुद्ध में प्रशासन का जो यह असंवैधानिक काज किया है, ये काम किया है, उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए दे रहे हैं। जो हम लोगों के गांव का नाम किसी भी कीमत पर जोड़ा जाए, चुकी हम लोगों का गांव हरिनगर अमादा जो मंगरौनी है मधुबनी से 1 किलोमीटर बगल में, सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद है मधुबनी में और ये मधुबनी का समाहरणालय सामने है और उसी के समक्ष यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और यहाँ पर कुछ लोग अनशन कर रहे हैं। अनशन की वजह आप देख सकते हैं, मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के द्वारा ये एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि इस आयोजन की वजह क्या है, असल में बिहार के इस ज़िला मधुबनी शहर को नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील किया गया है। पहले इस ज़िले में 21 वार्ड हुआ करता था, अभी हाल में इसमें 45 वार्ड शामिल किया गया है, लेकिन तमाम जो अलग अलग हिस्सों को शामिल करने के बाद इसमें 2 ऐसे गांव हैं जिसे नहीं जोड़ा गया आसपास में। पहला नाम यहां पर हरिनगर है और दूसरा आप देख सकते हैं मंगरौनी है। मंगरौनी को सम्मिलित नहीं करने की वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इनका ये कहना है कि ये वो मंगरौनी है जो कहीं ना कहीं काफ़ी मशहूर है। आप भी जैसा कि जानते होंगे कि बिहार का ये ज़िला मिथिला पेंटिंग की वजह से काफ़ी जाना जा, इसकी वजह साफ है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिथिला पेंटिंग जो यहाँ का है वो काफ़ी मशहूर है। अब चूंकि यहाँ के लोगों का ये मांग है कि मिथिला पेंटिंग जो कि मंगरौनी गांव की वजह से जाना जाता है, तो उन्हें उस गांव को क्यों नहीं शामिल किया गया। अब लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश है कि अगर नगर निगम बनाया गया, आसपास के पंचायती राज गांव को भी अगर शामिल किया गया, तो मंगरौनी को क्यों नहीं शामिल किया गया। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ मांग है। काहे बैठी हुई है? लोग बउआ गरीब आदमी है, हम लोग बन जा रहा है, हम लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं, घर द्वार नहीं है, हम लोग का इंद्रावास नहीं मिलता। इस अनशन में बैठने की वजह क्या है? उसी सब का तकलीफ से बैठे हुए हैं। उस तकलीफ से बैठे हैं आप? क्या वजह है? वजह ये है जो हम लोगों का हरिनगर अमादा मंगरौनी उत्तरी आज से 1.5 महीना पहले हम लोगों का जो है सो नगर निगम में नाम पास हो गया था, हम लोगों के गांव का नाम जुड़ गया था, हम लोगों के गांव का नाम। उसके बाद में फिर यहां किसी न किसी वजह से हम लोगों के नाम को, हम लोगों के गांव के नाम को हटवा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसी के विरुद्ध में प्रशासन का जो यह असंवैधानिक काज किया है, ये काम किया है, उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए दे रहे हैं। जो हम लोगों के गांव का नाम किसी भी कीमत पर जोड़ा जाए, चुकी हम लोगों का गांव हरिनगर अमादा जो मंगरौनी है मधुबनी से 1 किलोमीटर बगल में है, उत्तर में है, ठीक है। और जहाँ तक कला संस्कृति की बात है तो हम लोग हरिनगर में और अमादा गांव मंगरौनी में मिथिला पेंटिंग घर किया जाता है, हम लोगों के पौनी पसारी से लेकर घर घर लोग के आंगन चिनबार पे मिथिला पेंटिंग बना हुआ है और सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोगों का जो है सो मिथिला पेंटिंग से भी जुड़ा है। फायदा होगा आपको नगर निगम में? नगर निगम में शामिल करने से हम लोगों को बहुत सारा फायदा होगा, चूंकि लोग विकास चाहता है, नगर निगम होने से यहाँ के लोग, यहाँ के जनता के लोग, जनता को सुविधा मिलेगा, विकास होगा। हम लोग सब आजकल शहरीकरण की जो सब चाहते हैं, हम शहर में रहें, शहर का मतलब हम लोग का गांव शहर हो। हम लोग बचपन से जब हम लोग बच्चे थे तभी हम लोग कोई पूछता था आपका घर कहाँ है, हम लोग कहते थे मधुबनी के पास घर है, चूँकि मधुबनी से 1 किलोमीटर बगल में हट के हम लोगों के घर के बगल में 3-3, 4-4 गैस गोदाम, पेट्रोल पंप है, गैस गोदाम, गैस एजेंसी सब है, बड़ा बड़ा होटल वगैरह सब हम लोगों के रोड के घर के अगल बगल में मतलब खुला हुआ है। क्या वजह लगती है आपको इस नाम को हटा देने का, अगर आपका नाम पास हो गया था आपके? हटा देने का वजह इसमें यही हो सकता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो इलेक्शन में जीते थे, उनके द्वारा जो कहीं ना कहीं से उसमें निजी स्वार्थ था, उसका हित वहाँ पे वंचित हो रहा, स्वार्थ वहाँ पे छिना रहा था, इसीलिए उसको यहाँ से हम लोग के गाँव का नाम, पंचायत का नाम हटाया गया है। मतलब आप अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या शहर के जनप्रतिनिधि पे इल्ज़ाम? क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ कोई मुखिया है पहले से? मुखिया है। तो क्या आपके मुखिया नहीं चाहते थे? हमको नहीं लगता है वो चाहते होंगे, क्योंकि इलेक्शन वगैरह हो गया था, इसीलिए
हम किसी का ये नहीं कह सकते, लेकिन इसमें किसी न किसी के द्वारा विरोध किया गया है, नहीं तो 10 बार हम लोगों का नाम जब जुड़ गया, पास हो गया, राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित हो गया, तब फिर इस पर आपत्ति क्यों दिया गया? जब पास हो गया तो फिर आपत्ति क्यों दिया गया? बार बार ये प्रक्रिया चला है, हम भी देखते आ रहे हैं ये चीज। सर आप यहाँ पर खड़े हैं क्या वजह है? ये जो बोले हैं हमारे सब सही बात है, और मधुबनी के बगल में रहते हुए हम लोग पंचायत में हैं, और यहाँ एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है उसके तहत इसको हटाया गया है। मंगरौनी उत्तरी हरनगर अमादा जो रोगनी डेहट में पड़ता है, रोगनी डेहट पंचायत में, और यहाँ के मंगरौनी उत्तरी के और रोगनी डेहट के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मेन रूप से इसका विरोध करके जैसे तैसे इसको नगर निगम से वंचित करवाए हैं, नाम कटवाए। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं जो वहां के, उनमें से कोई लोग यहां शामिल नहीं हुए? तो जनप्रतिनिधि कोई नहीं शामिल है? नहीं है। हाँ एक दो वार्ड सदस्य शामिल है। कहाँ है वार्ड सदस्य? रघुनाथ पेंटिंग से जुड़े हुए आधार से मधुबनी नगर निगम हुआ है, और हम लोग के घर घर जो है तो मिथिला पेंटिंग से लोग जुड़ा हुआ है। प्लस आज से नहीं, वर्षों से हम लोग बिजली बिल शहरीकरण दे रहे हैं, टेलीफोन बिल हम लोग बिजली जो बिजली बिल आप लोग का शहरीकरण शहर वाला सरकारी, आज से नहीं 10-15 वर्ष पहले शहरीकरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आज से नहीं, रिकॉर्ड है हम लोग के पास में, बिजली बिल दे रहे हैं, टेलीफोन बिल जो आता है 0-62-76। आपने पूछा है किसी पदाधिकारी से क्या वजह है? नहीं तो शहर के सटे हुए हैं, शहर में जब होगा तो आप लोग को शहर के अंदर आ रहे हैं इसलिए शहर है, लेकिन जब सब कुछ हम लोग से असूला जा रहा है, लेकिन जब 1 किलोमीटर के रेंज में है हम लोग, इसके बावजूद भी जो तो अगल बगल ले लिया, 3 साइड से ले लिया है, और बीच में हम लोग को छोड़ दिया है, ये राजनीतिक रंजिश है। क्या वजह है? देखिए हम लोग आक्रोशित इसलिए हैं क्योंकि मंगरौनी उत्तर, रोगनी डेहट और अमादा इन लोगों को जो है नगर निगम में शामिल कर लिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक के तहत इन लोगों को फिर से हटा दिया गया। सबसे दुख की बात यह है कि देखिए महिनातपुर पंचायत जो है, महिनातपुर ये मधुबनी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, जबकि वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वो कृषि पर आधारित क्षेत्र है, वो महिनातपुर बलाट राघोपुर कृषि पर आधारित क्षेत्र है, लेकिन कृषि पर आधारित क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मंगरौनी उत्तर, हरिनगर, अमादा ये सब शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता, हर एक चीज का शहरी हो रहा है, बिजली बिल से लेके टेलीफोन। आपका कहना है कि जो गांव क्षेत्र का है उसे 15-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर वालों को शामिल कर लिया जी, शामिल कर लिया, लेकिन जो 1 किलोमीटर दूरी जो 2-3 किलोमीटर दूर में उसको शामिल नहीं किया गया है, ये कहाँ का न्याय है? सबसे दुख की बात है कृषि प्रधान क्षेत्र को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो कृषि पर निर्भर है, और हम लोग शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम लोग, मधुबनी उत्तरी, हरिनगर, अमादा ये सब सारा शहरी क्षेत्र है, जो कि मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन का क्या है, किस आधार से नक्शा बनाया है, क्या किए हैं नहीं किए हैं, समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग का यही कहना है किसी भी हाल में मंगरौनी उत्तर, हरिनगर, अमादा इन लोगों को शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर नहीं शामिल किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि ये गलत है, शासन प्रशासन का ये गलत होगा, क्योंकि बताइए ये कहाँ का न्याय है जो मतलब शहर को शामिल ना करके कृषि क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए, ऐसा संभव है? नहीं संभव, वो आप भी जानते हैं इस बात को है कि नगर निगम में जो शहर को छोड़ के कृषि क्षेत्र को कैसे प्राथमिकता दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि हम लोगों को बात शासन प्रशासन में पहुँचाया जाए, और हम लोग मंगरौनी उत्तर, हरिनगर, अमादा को नगर निगम में शामिल किया जाए, नहीं तो हम लोग सारे जनता मिलके मंगरौनी उत्तर, हरिनगर, अमादा के जनता आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, और शासन प्रशासन से हम लड़ के लेंगे नगर निगम। मेरे हाथों में नगर विकास आवास विभाग का ये डॉक्यूमेंट है, और साथ में बिहार के गजट का पेपर है, इसमें साफ साफ देख सकते हैं नगर निगम मधुबनी को जो कह सकते हैं उसका जो सीमा रेखा किया गया था उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम मधुबनी मंगरौनी उत्तरी का वार्ड नंबर 1 और 2, रघुनी देहात का वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 शामिल है, लेकिन इसके बावजूद इसको शामिल नहीं करना कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार नज़र आता है। लोगों का ये गुस्सा वाजिब है कि आखिर पहले आपने ख्वाब दिखाया कि हम नगर निगम बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने अचानक से जब नगर निगम बना दिया गया तब
तब आपने अचानक से इस लिस्ट में इस दोनों गांव का नाम हटा दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आप पहले नाम नहीं शामिल करते तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपने नाम शामिल करके अचानक से जब आपने नगर निगम बनाया तो उसी पास के गांव को जितवारपुर को शामिल कर दिया, लेकिन आसपास के जो दो गांव हैं इसमें रघुनी देहत और मंगरौनी उत्तरी को शामिल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसका हाथ है ये जांच का विषय है। जिला पदाधिकारी को चाहिए कि इस धरना का जो मेन वजह है उसमें आकर के वो वजह जाने और इस पर अविलंब कार्रवाई करे कि आखिर क्या वजह है कि इस दोनों गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया। लोगों का ये आरोप है और इनका ये कहना है कि वो पिछले 15-20 सालों से जो बिजली बिल पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो शहरीकरण के हिसाब से जो प्राइस होता है उसके तहत जमा करते हैं, साथ ही साथ टेलीफोन का बिल भी उसी हिसाब से जमा करते हैं, ज़मीन से लेकर के जो तमाम जो सरकारी कह सकते हैं कि कागजात बनते हैं वो शहर के हिसाब से होते हैं। और आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ मिथिला पेंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। कौन नहीं जानता है कि मधुबनी शहर को, अगर आपको जानना हो, पहचानना हो, अगर आप मधुबनी लिखते हैं तो सबसे पहले मधुबनी के साथ आगे पेंटिंग जुड़ जाता है। वजह साफ है क्योंकि मधुबनी के पास ही महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मंगरौनी गाँव है जहाँ से मिथिला पेंटिंग कह सकते हैं कि जन्म लेती है। वहाँ जिस तरह से छोटे बच्चे हों या कोई बूढ़ा इंसान हो, सभी के हाथों में एक निखार है जो मिथिला पेंटिंग को संवारता है। और ऐसे गांव को जो कहीं ना कहीं न सिर्फ मधुबनी ज़िला को बल्कि बिहार को एक अलग पहचान दे रहा है, उसको नगर निगम में शामिल नहीं करना निंदनीय है। इसलिए ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इस पर अविलंब कार्रवाई करे और क्या कुछ वजह है इसको समझ करके, इसको पूरी तरीके से इसके प्रोसीजर को समझ करके, यहाँ के लोगों से बातचीत करके एक दफ़ा फिर इसमें संशोधन करने की कोशिश की जाए और जो दोनों गांव हैं उसे नगर निगम में शामिल किया जाए। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।